वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की टेस्ट टीम के ऐलान से एक बार फिर बवाल मच गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार की टेस्ट टीम को लेकर दिग्गजों ने कड़ा विरोध भी जताया है। बता दें आपको कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शिखर धवन और रोहित शर्मा को नजरअंदाज करना सबसे बड़ा सवालिया निशान चयनकर्ताओं और कप्तान विराट कोहली पर लगाता है। आपको बता दें कि अब इस मामले में कूद पड़े हैं हरभजन सिंह। जी हां, हरभजन सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि कोई उन्हें बता दे कि चयनकर्ता सोच क्या रहे हैं टीम को लेकर। हरभजन ने कहा कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को अगर आप टेस्ट टीम से नजरअंदाज करते हैं तो फिर आप किस खिलाड़ी को मौका देंगे, और अगर खिलाड़ी इस तरह से बेहतर प्रदर्शन करेगा और उन्हें आप टीम में नहीं लेंगे तो उनका मनोबल डाउन होगा। हरभजन ने कहा कि यह सरासर गलत है और अब चयनकर्ताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा। बता दें आपको कि रोहित शर्मा के चयन पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार रोहित शर्मा को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया है उससे हर कोई बीसीसीआई और विराट कोहली की कड़ी आलोचना कर रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।